I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? So, hi everyone, कैसे हैं आप दोस्तों? I hope सब ठीक होंगे। और दोस्तों आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो पूरी देखना। आज आपको काफी सारी ब्रीड दिखाऊंगा इस वीडियो में, बहुत सारे डॉग मैं कवर करने वाला हूं जो कि आपका एक सपना भी हो सकता है पालने का। तो आप गैस करो वो कौन सी ब्रीड होगी, कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पूरी देखोगे, लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी ब्रीड दिख भी जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताना ये आपको कैसे लगे डॉग। इसके अंदर काफी एक्सपेंसिव डॉग भी है, ठीक है, और अपने नॉर्मल से नॉर्मल डॉग भी है। अब दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। मिलाता हूं मैं अपने भाई से आपको, बहुत दिनों के बाद इनके पास आया हूं। यही वो ब्रीड करते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। सो गाइस ये है अपने भाई, बड़े भाई हैं, इनका नाम है राजेश। तो भाई एक बार हाय बोल दो। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? तो भाई आप पहले अपने डॉग्स दिखाओ जहां से आपने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है? भाई मैंने पहले तो सबसे पहले ये मेरी डॉग है गोल्डन रिट्रीवर, अच्छा ये सबसे पहले मैंने ली थी। इसका आपने हेयर कट करवा रखा है क्या? जी मैंने हेयर कट करवाया है इसमें। अच्छा अच्छा, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही थी काफी सारी, तो मैंने इसका हेयर कट करवा दिया था विंटर अच्छा। से पहले तो अभी ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है इसका ना। अच्छा हेयर अच्छा फॉल का ठीक है। फिर मैंने ये ली थी तो उसके बाद एली ने ये बेबी दिया, ये इसका बेबी एली का कोको। अच्छा ये एली का बेबी फीमेल है? ये भी फीमेल है। तो दोस्तों इसकी हेयर कटिंग हो रखी है, ये भी गोल्डन रिट्रीवर है। उसके बाद मैंने ली इनके पास सिज्जू, ये चेरी। इसे उठा के दिखाओ एक बार, चेरी। अच्छा सिज्जू फीमेल है, ऊपर है भाई की, और ये इसकी बेबी है चेरी की। आ जाओ देख लो आप कितने डॉग हैं, फुल्ली एक्टिव है, ये सारे भाई के डॉग हैं देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने ली थी पूडल, ये मेरी पूडल। दोस्तों आज हम इसी के पप्पीज दिखाने आए हैं आपको, पूडल के। और ये भाई की वाइट हस्की है, ये वाइट हस्की है मेरी, अभी 6 महीने की है, अभी 6 महीने की हुई है। इन्होंने देखो काला टीका भी लगा रखा है नजर ना लगे, और ब्लू आइस की है देख सकते हैं आप, बहुत अल्टीमेट क्वालिटी, बहुत शानदार है। ये देखिए आप बाकी सारे डॉग, थोड़ा भाई हमारे शाही है, और ये अपनी किंगस्टन स्पैनियल है जो आज के टाइम में मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड है। भाई के पास है किंग चार्ल्स स्पैनियल, ये भी फीमेल है, ज्यादातर इन्हें फीमेल पालने का शौक है। फीमेल में ना भाई प्रॉब्लम नहीं होती थोड़ी सी। तो भाई आपको क्या खर्चा आता है महीने का? भाई मैंने गिना नहीं पैसे कितने लगते हैं, एक्चुअली शौक है अच्छा। पालने का तो भाई अच्छा, तो मैंने कभी काउंट करा नहीं। अच्छा अच्छा बढ़िया भाई, भाई बढ़िया शौक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके डॉग देख के। अब दोस्तों आपको पप्पीज दिखाता हूँ, भाई अब पप्पीज की कर लेते हैं कुछ बात। ये तो भाई आप बताओ इसमें मेल फीमेल कितने हैं आपके पास? इसमें 3 फीमेल है भाई और एक मेल है। अच्छा 30 डेज के हो चुके हैं अभी। ये देखो मदर ये घूम रही है इनकी, बहुत सुंदर है। तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि इनके जो बाल ऐसे ही होते हैं, कहीं आप सोच रहे हो कि कंडीशन थोड़ी आउट है, ये है वो है, पूरी हेल्दी है। पहली बार पप्पीज दिए हैं इसने, ठीक है ना, इनके बाल ऐसे कर्ल होते हैं, ठीक है। और ये प्योर टॉय पूडल है टॉय साइज की, और ये रहे पप्पीज आपके सामने, ठीक है। तो भाई आपने इनके वैक्सीन करवाई नहीं करवाई अभी तक? इनकी वैक्सीन सर भाई इनकी वैक्सीन हो चुकी है, पप्पी डीपी तो हो चुकी है, पर जो 45 डे में लगती है वो अभी 45 डेज के हैं नहीं, तो ये हुई नहीं है। अच्छा नहीं है जी। तो दोस्तों पप्पी डीपी भाई ने लगवा दिया है पप्पीज के, सारे पप्पीज के पप्पी डीपी वैक्सीन डन हो चुकी है। अब जो वैक्सीन लगेगी वो 45 डेज के बाद लगती है, तो फिर वो जब तक पप्पीज इनके पास रहेंगे तो ये वैक्सीन करा देंगे। अगर आपको पप्पीज लेने हैं तो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। बाकी मैं स्क्रीन पे भी नंबर इनका शो कर दूंगा आपको, अपनी आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों। रेट वगैरह बता दो भाई एक बार यार। भाई वैसे तो इम्पोर्टेड है इनकी ब्रीड, जो मदर फादर ने इसकी तो वो इम्पोर्ट लाइन की थी। अच्छा एक्सपेंसिव, बट मेरी होम ब्रीडिंग की है तो बिना मतलब ब्रीडर वगैरह के वो ब्रीडर नहीं खा पाता है, मैं कमीशन डायरेक्ट सेल करूंगा तो 60 के, नहीं तो भाई ये 1,00,000 के बिक रहे थे अभी कुछ टाइम पहले। जी 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 सही बात है, कम में ये होम ब्रीडिंग के आप देख ही रहे होंगे। तो आपने क्या रेट रखा है? 60,000 रखा है। 60,000 वो सो डायरेक्ट आप डील कर सकते हो, इसमें कोई भी बीच में ब्रोकर नहीं है, कोई ब्रोकरेज नहीं है,
ठीक है ना। और ये प्योर टॉय ब्रीड है, ऐसा भी नहीं हो कि मिक्स हो। लोग आजकल माल्टी पू दे रहे हैं, पोको पू दे रहे हैं, आजकल बहुत गंद फैला रखा है। ब्रीड है, टॉय पू है, स्टैंडर्ड प्योर टॉय पू है दोस्तों, ठीक है ना, मिक्स नहीं है ये, प्योर टॉय है, प्योर टॉय पूडल है। इसके फेस देख सकते हो, साइज भी देख लो, मदर हैन की है। इसका वेट ही 3 किलो है, 3.5 किलो। अच्छा 3.5 किलो बॉडी वेट है, 3 किलो वेट है इसका बॉडी वेट। ठीक है समझ गया मैं। तो दोस्तों जिसको भी पप्पी लेने हो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने पप्पीज भी दिखा दिए, मदर भी दिखा दी, इनके बाकी डॉग भी दिखा दिए। और वीडियो पहली बार ही देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।